दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंचता है, इस बार कुछ देरी से पहुंचा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल से राय जाने के बाद चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के साथ संपर्क से चर्चा में है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विज एक बार फिर अपना अंदाज दिखाया और हरियाणा की जनता से वादा किया कि पुलिस फोन करने के 15 मिनट के अंदर पहुंचेगी। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने 3 अगस्त से शुरू होने जा रही टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के भागसुन आग में सोमवार को बाढ़ से हुई तबाही के बाद मंगलवार को नगर निगम धर्मशाला ने नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की तबाही ना मच सके। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है, उससे पहले सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ओर से सभी दलों को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। देश में कोरोना वायरस फिर बड़े मामले, बीते 24 घंटे में मिले 36,792 नए केस, 624 की हुई मौत। कोरोना वायरस ने न सिर्फ अनेक लोगों को असमय मारा है, बल्कि बहुत से लोगों से ज्यादा कर्ज देने में मजबूर कर दिया है। कोरोना के चलते करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, स्वरोजगार करने वालों का भी कारोबार चौक हो गया। WHO का दावा, कोरोना का डेल्टा स्वरूप 104 देशों में फैला, पूरी दुनिया पर हो सकता है हावी। डेल्टा वेरिएंट उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जिन्होंने टीका नहीं लिया है, इस वजह से स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं जिन देशों में टीकाकरण की दर बेहद कम है, वहां हालात और भी खराब हैं। चिंता की बात, दिल दिमाग और फेफड़ों के बाद हड्डियों को भी प्रभावित कर रहा कोरोना, ऐसे मरीजों की संख्या 15% तक पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश फिट रहने लगा कोरोना, 22 दिन बाद 4 संक्रमितों की मौत, 151 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,869 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,99,170 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,203 और 3,480 संक्रमितों की मौत। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं कक्षा का रिजल्ट 92.77% रहा। धर्मशाला पंजाबी गायक मनमीत सिंह का शव ग्रामर दोस्तों के सामने नाले में बह गया था। क्रेरी झील धर्मशाला से 9 किलोमीटर दूर पहाड़ पर है, जो सुंदर स्थल से 2,934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में शाहपुर के मेहड़ गांव में सोमवार सुबह भारी बारिश के बाद पहाड़ से आए पानी के सैलाब से हालात ज्यादा भयानक हो सकते थे अगर भीमसेन ना होता। भीमसेन ने 22 जिंदगियों को बचाया। जलंधर किसानी बोर्ड बैंक के लिए कैप्टन सुबीर में ट्वीट हुआ। कैप्टन ने बाल फैमिली के कृषि कानून का गुणगान करते वीडियो ट्वीट किया। 23 मिनट बाद सुबीर ने कैप्टन का कर्जा माफी वाला भाषण डाला। रोपड़ जिले में मंगलवार को जुलाई में दूसरी बार फिर भी व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। इस महीने में अब तक सिर्फ 1 व्यक्ति की मौत हुई। वहीं मंगलवार को जिले में कोरोना मरीज ठीक नहीं हुआ, जबकि अभी तक 21 एक्टिव केस हैं। प्रदर्शन श्री अनंतपुर साहिब में अध्यापक संगठनों ने पेग मिशन की कापियां फोड़कर किया प्रदर्शन, कहा तर्कहीन तथा लंगड़ा है पेग मिशन। बिना तलाक फैन से दूसरी शादी से चार धमकाने लगी पत्नी। जलंधर में इंस्टाग्राम स्टार के पति ने 5 और 6 साल के बेटा बेटी से जहर निकला, बाप बेटी की मौत, बेटे की हालत गंभीर।